बायोमेडिकल की, जहाँ तक आपने इम्पोर्टेंट है, बायोमेडिकल का बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, समझे कि इट्स अ बैकबोन फॉर मेडिकल। अब आजकल जितने भी आप पहला ज़माना तो चला गया जब नब्ज़ देख के इलाज होता था। सर, अभी थर्ड इंटरनेशनल बायोमेडिकल और डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आईपी के ताउन से। बायोमेडिकल की क्या इंपॉर्टेंस है और इस कॉन्फ्रेंस के क्या अगराज मकासद रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि बायोमेडिकल की, जहाँ तक आपने इम्पोर्टेंट है, बायोमेडिकल का बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, समझे कि इट्स अ बैकबोन फॉर मेडिकल। अब आजकल जितने भी आप पहला ज़माना तो चला गया जब नब्ज़ देख के इलाज होता था। अब हर चीज़ का इलाज जो है वो टेस्ट के ज़रिए, टेस्ट और इक्विपमेंट, उसमें तमाम जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तरह तरह के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो बायोमेडिकल तो अब एक तरीके से प्री रिक्विजिट हो गया मेडिकल के लिए, और तो इसीलिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हिफाजत को महसूस करते हुए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, डिग्री कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। कराची में सबसे पहले ससई यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था मेरे ख्याल लेट 90s में, उसके बाद से फिर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में किया। तो अब तो इसीलिए इसी की हिफाजत को महसूस करते हुए आई पी ने भी महसूस किया कि हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के फ़रोग में फ़ायदेमंद हो। तो ये तीसरी कॉन्फ्रेंस थी माशाल्लाह, 3 लगातार। तो अच्छा, और जैसे जैसे वक्त और होता जाएगा इसके अंदर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में भी तकरीबन 24 से ज़्यादा पेपर्स पढ़े गए, और जो कि उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पेपर हैं जो कि अब पब्लिकेशंस में, इंटरनेशनल पब्लिकेशन इनकी होंगी। अच्छा सर, रिसर्च हो रही होती है, पेपर्स भी पढ़े जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहे होते। वहाँ क्या किसका कसूर ज़्यादा समझ रहे होते हैं, हुकूमत का या इंस्टीट्यूशंस का? यार, इसमें सबका ही कसूर है। रिसर्च करने वाले का भी कसूर है, रिसर्च करवाने वालों का भी कसूर है, जहाँ तक इंस्टीट्यूशन भी, क्योंकि हमारा एज ए कल्चर हम रिसर्च के आदी नहीं हैं, हम लोग पकी पकाई खाने के आदी हो गए हैं। तो बहुत कम परसेंटेज है जो लोग अच्छी रिसर्च करते हैं जो कि आगे आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। इस पर ज़रूरत है इस पर काम होने। आईपी के बारे में बताइएगा, वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस क्यों करवाता है और उसके क्या अगराज मकासद होते हैं? आईपी का तो मकसद ही है कि नॉन कन्वेंशनल वे में हम तालीम को फ़रोग दें, थ्रू सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्सेज, या दूसरे अब तो इंटरनेशनली भी वेबिनार्स भी हम करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के आईपी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों से तालीम का फ़रोग दें। इसीलिए हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से अपने आप को लिंक किया है, और माशाल्लाह इस वक्त न सिर्फ कराची में तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन, बल्कि बलूचिस्तान में और सिंध में भी हम तमाम इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही लाहौर में यूईटी लाहौर, यूईटी टैक्सला, और तो इस्लामाबाद में भी हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का कॉमसेट्स के साथ भी सब काम करें। तो अल्लाह का शुक्र है आईपी ने एक अपना मेयार डेवलप किया है, और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।